हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है जीएस के 10,000 एमसीक्यू वाली, उसमें इंडियन हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम आपके टॉप 25 एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे और जहां आपको जरूरत होगी वहां आपका व्याख्या सहित भी कराया जाएगा, ठीक है। मैं तरीके कम से कम आपके 70-80 क्वेश्चन इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके। पहला है जॉन टावर, दूसरा है हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या आपका जेम्स प्रिंसिप। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो अशोक के शिलालेख में पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो था आपका जेम्स प्रिंसिप, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो आपका चार्ल्स मेटकॉफ है इसको क्या कहा जाता है आपका, इसको आपका प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वर्नाकुलर एक्ट जो था ये आपका चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और आपका रामपाल। तो दोस्तों, जो आपका पाल वंश का संस्थापक था वो आपका गोपाल था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और आपका महिपाल। तो दोस्तों, जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ है, ये आपका बिहार में है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और जो उसके संस्थापक थे वो थे आपके धर्मपाल, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। धर्मपाल जो थे आपके गोपाल के पुत्र थे, ठीक है, ये जो आपके पाल वंश के सबसे बड़ा सम्राट थे, ठीक है, धर्मपाल, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और दोस्तों, ये बताना चाहूँगा चीज कि जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार में और एक आप विश्वविद्यालय आपका नालंदा, ये भी आपका बिहार में है। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना कराई थी वो कराई थी आपकी गुप्त शासन जो था आपका कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, इसकी स्थापना। और दोस्तों, इन दोनों को जो आपके थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, पाल वंश में ही जो आपका इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी दोनों विश्वविद्यालयों को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, आपको सही मिलान करना है उनका। कि पहला जन्म सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम वचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर। तो देखिए दोस्तों, जो उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का वो हुआ था आपका लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान पर, यह कहाँ है आपका, कपिलवस्तु के निकट। अब बात किया कि ज्ञान प्राप्ति की, दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, एक सेकंड, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो आप ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो हुई थी आपकी बोधगया में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, ये दिया था आपका सारनाथ में। और दोस्तों, इनके जो प्रथम उपदेश है उसको आपका क्या कहा गया, उनको उसको कहा गया आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार। और आपका इनका निधन कहाँ हुआ था, निधन हुआ था आपका कुशीनगर में, उस समय इसका क्या नाम था आपका, कुशीनारा, ठीक है। और इनके निधन को क्या कहा गया आपका, इसको कहा गया आपका महापरिनिर्वाण, ठीक है। यहाँ आपसे एग्जाम में निधन पूछे या आपका महापरिनिर्वाण पूछे तो बात एक ही आपकी, ठीक है, चार चीज होगी आपकी। तो देखिए, जन्म कहाँ आप लुम्बिनी में, यानी पहले का कौन सा मिलेगा, तीसरा आपका, तीसरा किस में आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, पहले का तीसरा ज्ञान प्राप्ति बोधगम, दूसरा प्रथम वचन सारनाथ में, और चौथा निधन का आपका कुशीनगर में, यानी 3-2-1-4 आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि महात्मा बुद्ध ने आपसे सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। अगर आप किसी यूपी के एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ ये आपको कई बार पूछा गया है, तो ये दिए थे आपके श्रावस्ती में, यूपी के श्रावस्ती नामक स्थान पर, ठीक है। और इसी आपको ध्यान रखनी, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं कि मान लीजिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, तो वहाँ से आपको महात्मा बुद्ध और एक महावीर स्वामी, ठीक है, इन दोनों से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में जो चीज़ें आपकी मेन पॉइंट है वो आपको सारे पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या आपका
उज्जैन। तो दोस्तों जो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो आपका तक्षशिला था, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों तक्षशिला जो आपका ये आपका मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र था ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ है आपका तक्षशिला, ये आपका इस्लामाबाद के निकट है, यानी इस्लामाबाद जो आपको पाकिस्तान में है कि पश्चिम में है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन है 641 ईस्वी, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी, आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण जो किया था वो आपका 711 ईस्वी में किया गया था। ये किया था आपका अरब आक्रमणकारी जो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, 711 ईस्वी में। अगला आपका कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है उसको जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपका दान करता था ये। ठीक है, और दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी, लाहौर में थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। और जो इल्तुतमिश था इसको कहा जाता है आपका गुलामों का गुलाम। और अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो वो आपका इल्तुतमिश था, दिल्ली का पहला सुल्तान। ठीक है, और जो बलवंत था इसमें के बारे में याद होना, एक इसमें रक्त और लोहे की नीति शुरू की थी, रक्त और लोहे की नीति। ठीक है, और जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था इसमें बताएंगे, और इसमें इसका एक चीज और, इसने बलबन ने जो आपका एक फारसी त्यौहार होता था आपका, ठीक है, उसका नाम था आपका नौरोज। ठीक है, इसकी शुरुआत भी आपके बलबन ने की थी। आगे देखते हैं आपका कि गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था आपका। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों गृह कर क्या था आपका, ये आपका घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाता था टैक्स, झोंपड़ियों पर, आपका झोंपड़ी होगा, ठीक है, झोंपड़ी पर लगाया जाने वाला टैक्स कर। और एक कर उसने लगाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने, वो लगाया था आपका चराई कर। और ये आपका दुधारू पशुओं पर, यानी दूध देने वाले पशुओं पर लगाया जाता था, पशुओं पर लगने वाला कर। ठीक है, दो ये पॉइंट हो गए आपके। और दोस्तों जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था इसने एक नीति चलाई थी आपकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई थी, शुरू की थी इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और एक और इसने शुरू की थी वो की थी आपकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये दोनों चीज आपके ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं आपका, और दोस्तों जैसे आपके और ऑप्शन नहीं आते रहेंगे आगे, आपको सब इसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है सारा। अगला आपका दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऑप्शन है बलबन, फिरोजशाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों जो ब्राह्मणों पर कर लगाया था जजिया कर, वो लगाया था आपका फिरोजशाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जजिया कर होता क्या था, ये आपका गैर मुस्लिम को लगाने वाला कर था, धार्मिक कर। लगने वाला धार्मिक कर था। ठीक है, और इसे क्या और क्या काम थे दोस्तों फिरोजशाह तुगलक के जो इसने किए थे। एक दोस्तों ये सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक था,
लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, फिरोज तुगलक के बारे में। और दूसरा पॉइंट क्या था इसका, इसने दोस्तों आपका फलों की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए थे, फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास भी आपका फिरोज तुगलक ने किया था। और ये आपको बता दिया कि ब्राह्मणों पर जजिया का लगाने वाला प्रथम शासक था ये आपका। और दोस्तों एक काम उसने किया था आपका, एक आपका टोपरा और मेरठ में जो आपका अशोक स्तंभ थे, ठीक है, उनको दिल्ली लाया था ये। टोपरा और मेरठ में जो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली लाने का काम भी आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। एक चीज और इसके बारे में आपका, कि राज्य के खर्च पर हज की यात्रा प्रारंभ करने वाला, प्रारंभ करने वाला, शुरू करने वाला, पहला भारतीय शासक था ये, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपको देखो पांच पॉइंट आपके हो गए इससे फिरोज तुगलक के बारे में, ठीक है। यहां से आपको कोई भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप इसको बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि संगीत यंत्र जो था तबला आपका, उसका प्रश्न किया था किसने, ऑप्शन है आदिल शाह, आमिर खुसरो, तानसेन या आपका बिजू बाबरा। तो ये इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, आमिर खुसरो, ठीक है। इसको आपका हिंद, हिंद का तोता या तोता हिंद कहा जाता था, ठीक है, आमिर खुसरो को। और ये आपका आमिर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, ठीक है, खिलजी के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, ऑप्शन है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में या आपका फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों जो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो आपकी दिल्ली में स्थित है, जो बच्चे दिल्ली में रहते होंगे, रहे हों, उनको इस बारे में जानकारी होगी, ठीक है। अगला आपका, कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, ऑप्शन है आपके बाबर और राणासांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और कब हुआ था, ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। इसमें जो विजय हुई थी आपकी, बाबर जीता था इसमें, बाबर इसमें विजय हुआ था। और दोस्तों पता होगा आपको पानीपत के तीन युद्ध लड़े गए थे, एक तो आपको पहला ये हो गया बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, और जो दूसरा युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था आपका, ये हुआ था आपका हेमू और अकबर के बीच, ठीक है। और जिसमें अकबर था ये आपका विजयी रहा था इसमें। और कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 में, ठीक है। आपको सन याद रखना है, आपको डेट याद नहीं रखना कब हुआ था, ठीक है, कभी पूछा जाता है। और ये पूछेगा किसके बीच लड़ा गया था और इसमें विजयी कौन हुआ था। और दोस्तों जो तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, वो हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और आपका मराठों के बीच, ठीक है। कब हुआ था, ये आपका हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। और इसमें जो आपका अहमद शाह अब्दाली था, इसकी आपकी विजय हुई थी, ठीक है। तो आपको तीनों युद्ध बता दिए आपके, पहला था आपका बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा था हेमू और अकबर के बीच, और तीसरा था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, काबुल, सिकंदरा, दिल्ली और आपका लाहौर। तो दोस्तों इसमें सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कि जो अकबर का मकबरा है वो आपका सिकंदरा में है। और दोस्तों काबुल में किसका मकबरा है आपका, यहाँ पे आपका बाबर का मकबरा, ठीक है। और दिल्ली में किसका आपका, दिल्ली में आपका हुमायूं का मकबरा है। और लाहौर में किसका आपका, लाहौर में आपका जहांगीर का मकबरा है। तो यहाँ से दोस्तों आपके चार पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है, काबुल में बाबर का है, सिकंदरा में अकबर का है, दिल्ली में हुमायूं का, और आपका लाहौर में जहांगीर का है। अगला आपका यहाँ पर सही मिलान करना है आपको, कि दोस्तों यहाँ से इस टॉपिक से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जो आपका एग्जाम हो गया आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वाला, ठीक है, कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे, यानी कि आपका स्मारक दे देगा, पूछ लेगा कहाँ स्थित है, या पूछ लेगा आपका किसने बनवाया था,
ठीक है। यहाँ पहले आप बात करते हैं अलाइद दरवाजा, दिल्ली में है आपका, ये किसने बनवाया था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके चार दे रखे हैं, ठीक है, चारों आपको मैच करना है। पहला अलाइद दरवाजा दिल्ली, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा, और चौथा आपका मोती मस्जिद दिल्ली। तो जो आपकी मोती मस्जिद है वो आपके आगरा में भी है और आपकी दिल्ली में भी है, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका अलाइद दरवाजा था दिल्ली में, ये आपको बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी पहले का आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में, ये आपका अकबर ने बनवाया था, यानी दूसरे का दूसरा। और मोती मस्जिद आपकी बनवाई थी जो आगरा में, वो शाहजहां ने, ठीक है। और जो आपकी दिल्ली में, वो बनवाई थी आपकी औरंगजेब ने। तो यानी कि एक दो तीन चार इसका सही क्रम बैठ रहे हैं आपके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, एक दो तीन चार, ठीक है। अगला आपका कि जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और आपका हुमायूं। तो दोस्तों जो जजिया कर है वो आपका औरंगजेब के शासनकाल में पुनः लगाया गया था, ठीक है। और जो अकबर था इसने आपके जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। और जो दोबारा लगाया गया था वो लगाया गया था आपका औरंगजेब के शासनकाल में। अगला आपका कि मेऊर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आपका जहांदर शाह। तो दोस्तों जो मेऊर शासन बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था वो था आपका मोहम्मद शाह, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों था ये आखिरी वाला? क्योंकि नादिर शाह मेऊर शासन को चुरा के ले गया था, इसके बाद आपका ईरान ले गया था, ठीक है, नादिर शाह। अगला है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ऑप्शन आपका सूरत, पुलिकट, कोचीन और आपका कासिम बाजार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, सूरत में, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था अपना? कहाँ लगाया था? इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, बताइए, फिर मैं आपको अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था आपका? ऑप्शन है अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, और चौथा आपका ट्रावणकोर का राजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, अवध का नवाब, यानी कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था वो आपका अवध का नवाब था। और दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी इस पद्धति की? ये की थी आपकी शुरुआत किसने? लॉर्ड वेलेजली ने, ठीक है, उस समय आपका भारत का गवर्नर जनरल था। अगला देखते हैं कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंक या आपका लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों जो आपकी सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी वो लगाई थी आपकी विलियम बेंटिंक ने, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ये कब लगाई थी? आप लगाई गई थी 1829 में, ठीक है, ये लगाई गई थी आपके राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सेंडर आयोग संबंधित था किससे? न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से या पुलिस प्रशासन से? तो दोस्तों जो आपका सेंडर आयोग था वो आपका शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। इसका जो गठन कब किया गया था आपका? 1917 में इसकी नियुक्ति की गई थी। और इसके हेड कौन थे आपके? ये थे आपके एम ई सेंडलर, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था आपके गठन का? जो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय था, कि समस्याओं को के अध्ययन के लिए आपका इसका गठन किया गया था आपका सेंट्रल आयोग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, सती प्रथा का विरोध करने वाली बुद्धिजीवियों ने या आपका ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने, यानी कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अगला आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 52, 62, 72 या आपका 82। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, 72, यानी कि पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था आपका। और दोस्तों स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? हुई थी आपकी 1885 में, कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, ठीक है, ये हुई थी आपके गोकुलदास तेजपाल
संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, ये थे आपके व्योमेश चंद मुखर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। ऑप्शन है आपके बटुकेश दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह या आपका राजगुरु। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसमें सही होगा, यानी कि बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, इनको काला पानी सजा हुई थी, ठीक है, सेलर जेल में, जो कि आपके अंडमान निकोबार में है। और दोस्तों सुखदेव, सरदार भगत सिंह और आपका राजगुरु, इन तीनों को आपको फांसी दी गई थी। ये आपका लाहौर कांड कब हुआ था, ये हुआ था आपका 8 अप्रैल 1929, उसमें जबकि आपका विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त और आपका सरदार भगत सिंह ने जो बम फेंका था वही आपका लाहौर कांड था। ये घटना हुई थी आपकी 8 अप्रैल 1929 में। और दोस्तों इन तीनों को फांसी कब दी गई थी, ये दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी, ये की थी आपकी विनोबा भावे ने। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपका 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 और आपका 7 अगस्त 1942। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 9 अगस्त 1942, ठीक है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 से। कहाँ से शुरू हुआ था आपका, बम्बई से शुरू हुआ था, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था उसको समाप्त करना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपका जो कि आपका RRB NTPC का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए हमारे चैनल पर क्लास शुरू की गई है, जहाँ पर आपको सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे मिलेगी आपको मैथ की क्लास, ठीक है, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसमें कि आपको अब तक आपके 12-13 वीडियो बनाए जा चुके हैं, ठीक है। और फिर आपको सुबह 9 बजे मिलेगी आपकी GK क्लास, उसमें क्या होगा आपका, इतिहास होगा आपका, ठीक है, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और आपका भूगोल, जिसमें आपका भारत का भूगोल भी होगा, विश्व का भूगोल भी होगा, ठीक है। और एक आपको बचता है स्टैटिक GK, इन सभी की आपको वीडियो मिलेगी सुबह 9 बजे, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार। और फिर बात कर दोपहर 3 बजे वीडियो मिलेगी आपको दोपहर में सामान्य विज्ञान की, ठीक है, जिसमें आपके MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, लगभग 20 से 25 MCQ आपके, और 20 से 25 ही आपके यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे GK में, ठीक है। और फिर शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी, यानी कि 6 PM पे रीजनिंग की, जिसमें आपकी एकदम चैप्टर वाइज आपकी क्लास शुरू की जा रही है, जिसमें आपको अब तक 10 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। और अगर किसी को वीडियो हमारे सब देखने हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे सभी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों इन सब वीडियो का आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। और अगर चाहते हो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना हमारा, जहाँ पे कुछ सवाल हो पूछ सकते हो, तो उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।